तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। अरे भिड़ू कोई बात नहीं, अगर आप लोग बुरे हो गए तो अच्छे हो जाओगे, और अगर अच्छे हो गए तो डबल अच्छे हो जाओगे। अरे बाबा, अरे हाँ बाबा, क्योंकि मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको हमारी गेम के सारे न्यू चीट कोड बता दिए थे, और मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको ये बता दिया था कि आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर जेल के अंदर कैसे जा सकते हो। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप सभी लोग जेसीबी से मिट्टी कैसे खोद सकते हो। अरे बाबा, अरे हाँ बाबा, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारी गेम के अंदर जो न्यू जेसीबी एड हुए है उसे आप सभी लोग एक साथ 10 जेसीबी को कैसे चला सकते हो। साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा ही सीक्रेट चीट कोड बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हमारी गेम के अंदर जो न्यू पुलिस स्टेशन आया है एंड उसके ऊपर हमें जो दूसरा फ्लोर देखने को मिलता है उसके अंदर भी आज हम जाने वाले हैं। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप सब लोग दूसरे फ्लोर पर कैसे जा सकते हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। बट वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं हो तो फटाक चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप सब लोग अपनी गेम के अंदर एक साथ 10 जेसीबी को कैसे ड्राइव कर सकते हो। तो गाइस इसके लिए आपको सिंपल एक जेसीबी को स्पॉन करना होगा। तो यहाँ पर मैंने जेसीबी का चिट कोड डायल किया तो ये आ चुका है हमारा एक जेसीबी। एंड इसके बाद आपको सिंपल इसकी साइड में कुछ इस तरह से एक बाइक को स्पॉन करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक बाइक को स्पॉन कर दिया है, एंड बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को अपनी गेम के अंदर कई सारे जेसीबी को स्पॉन कर देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कई सारे जेसीबी को स्पॉन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा दूसरा जेसीबी आ चुका है, यहाँ पर मैंने दूसरी बाइक को भी स्पॉन कर दिया है। एंड गाइस आप लोगों को एक एक जेसीबी को स्पॉन करना है, उसके साइड में सिंपल एक एक बाइक को स्पॉन करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने 3 जेसीबी को स्पॉन कर दिया और तीनों जेसीबी के साइड में यहाँ पर एक एक बाइक को स्पॉन कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने 4 जेसीबी को स्पॉन किया एंड यहाँ पर 4 बाइक को स्पॉन कर दिया। एंड अभी मैं एक और जेसीबी को स्पॉन कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक और जेसीबी आ चुका है एंड यहाँ पर मैंने एक और बाइक को भी स्पॉन कर दिया है। एंड गाइस अभी मैं आपको ये वाली ट्रिक सिर्फ 5 जेसीबी के ऊपर ही दिखाने वाला हूँ, बट आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर किसी भी जेसीबी किसी भी कार के ऊपर ये चीज को ट्राई कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जेसीबी और बाइक के बीच में आना होगा। तो यहाँ पर आपको जेसीबी के अंदर बैठने का ऑप्शन, साथ साथ यहाँ पर बाइक पर बैठने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर दोनों बटन पर एक साथ क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने दोनों बटन पर क्लिक किया तो जैसे यहाँ पर आपका जेसीबी का गेट बंद होगा तो आपका करेक्टर कुछ इस तरह से बैठ जाएगा। एंड इसके बाद आपको सिंपल अपनी बाइक को थोड़ा सा आगे लेकर जाना होगा, जैसे यहाँ पर मैं लेकर जा रहा हूँ। एंड इसके बाद आपको सिंपल अपनी बाइक से नीचे उतर जाना है, जैसे यहाँ पर मैं उतर गया हूँ। एंड इसके बाद आपको सिंपली दूसरी बाइक के साथ ही सिंपली यही स्टेप फॉलो करने होंगे, यानी कि सिंपली आपको बाइक और जेसीबी को एक साथ ड्राइव करना है। एंड इसके बाद आपको सिंपली अपनी बाइक को ड्राइव करना है और इसे सिंपली थोड़ा सा आगे लेकर जाना है, एंड फिर आपको सिंपली अपनी बाइक से उतर जाना है। बट गाइस यहाँ पर मेरी बाइक यहाँ पर फंस चुकी है, तो पहले मैं अपनी बाइक को ड्राइव करता हूँ एंड थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ, एंड फिर मैं अपनी बाइक को सही से लगा देता हूँ। तो गाइस आप लोग देखते हो तो यहाँ पर पीछे वाली जो जेसीबी है वो भी यार मेरे साथ चल रही है। बट अभी मुझे सिंपली अपनी बाइक को यहाँ पर तीरे से थोड़ा सा सही से लगाना होगा, बिकॉज मैं यहाँ पर सही से नहीं लगाऊंगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने सही से लगाया बट मेरा जेसीबी कैसे यहाँ पर टेढ़ा हो चुका है। तो एक बार यहाँ पर आ चुके हैं दोनों के दोनों ऑप्शन, तो यहाँ पर मैं दोनों बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों को एक साथ ड्राइव कर लिया। बट गाइस वो वाला जेसीबी देखो, तो गाइस अभी मैं जल्दी से अपनी बाइक से यहाँ पर नीचे उतर जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 जेसीबी को एक साथ ड्राइव कर लिया है। तो गाइस अभी मैं जल्दी से इन सभी के सभी जेसीबी के ऊपर ये वाली ट्रिक को अप्लाई कर लेता हूँ। 5 minutes later, तो गाइस यहाँ पर मैंने सारे जेसीबी के ऊपर ये वाली ट्रिक को अप्लाई कर दिया है। बस यहाँ पर एक जेसीबी है तो जल्दी से मैं इसके ऊपर भी ये वाली ट्रिक को अप्लाई कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने सारे जेसीबी के ऊपर ये वाली ट्रिक को अप्लाई किया, बट ये वाली जेसीबी कहाँ पर आगे जा रही है अभी मुझे सिंपली उसे रोकना होगा। बट गाइस शायद से मेरे साथ यहाँ पर एक ग्लिच हो चुका है। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो कि मेरे साथ यहाँ पर एक ग्लिच हो चुका है, बट देखते हैं कि अगर हम जेसीबी को ड्राइव कर पाए तो सही है। बट गाइस यहाँ पर मेरे साथ एक ग्लिच हो चुका है, तो मुझे ये वाली ट्रिक फिर से ट्राई करनी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। 5 minutes later, तो गाइस मैंने वापस से यहाँ पर सारी बाइक के ऊपर ये वाली ट्रिक को अप्लाई कर लिया है। बस यहाँ पर इस बार यहाँ पर लास्ट यहाँ पर जेसीबी बची है, तो जल्दी से मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ। एंड अभी मैं जल्दी से अपनी बाइक को थोड़ा सा आगे लेकर जाकर सिंपली उतर जाता हूँ। तो गाइस फाइनली यहाँ पर जो हमारी ट्रिक है वो यहाँ पर सब पर अप्लाई हो चुकी है। एंड गाइस इस बार यहाँ पर मैंने 4 जेसीबी को स्पॉन किया है। एंड गाइस इस वाली ट्रिक को ट्राई करने के बाद आपको सिंपली किसी भी जेसीबी के अंदर बैठ जाना है, जैसे यहाँ पर मैं लास्ट वाली जेसीबी के अंदर बैठ चुका हूँ। एंड गाइस यहाँ पर आपका कैरेक्टर यहाँ पर नीचे उतरेगा, बट आपको सिंपली यहाँ पर बैठ जाना होगा। एंड गाइस इसके बाद होने वाला है गजब का यहाँ पर मैजिक। एंड गाइस इसके बाद आपको सिंपली अपना जो जेसीबी है उसका बकेट यहाँ पर ड्राइव करना होगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर 3 जेसीबी को एक साथ ड्राइव कर पा रहा हूँ। बट गाइस शायद से एक वाले जेसीबी के ऊपर ये वाला ग्लिच नहीं हुआ। बट आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर ये सारे जेसीबी को एक साथ ड्राइव कर सकते हो। एंड गाइस अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैं तीनों के तीनों जेसीबी को कैसे एक साथ ड्राइव कर पा रहा हूँ। लिटरली ये वाली ट्रिक काफी ज्यादा मस्त है। एंड गाइस अभी मैं आपको यहाँ पर पीछे के साइड के बकेट को यहाँ पर चला के दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को यहाँ पर समझ में आ जाए कि यहाँ पर सच में ये वाली जो ट्रिक है वो यहाँ पर वर्क कर रही है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर
मैं दोनों की दोनों और यहाँ पर तीनों के तीनों जेसीबी के जो बकेट है वो यहाँ पर कंट्रोल कर पा रहा हूँ। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा जेसीबी यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर ऊपर उठ चुका है, लिटरली ये दिखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। एंड आप लोग मुझे कॉमेंट के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये वाली ट्रिक कैसी लगी है। एंड गाइस अभी मैं आपको हमारी गेम के अंदर एक ऐसी कमाल की ट्रिक बता देता हूँ जिसकी हेल्प से आप सभी लोग हमारी गेम के अंदर जो न्यू पुलिस स्टेशन आया है एंड इसके अंदर जो दूसरा फ्लोर आया है उसके अंदर शायद से जा पाओगे। गाइस मैंने अभी तक उस वाली ट्रिक को ट्राई नहीं किया है, बट देखते कि वो वाली ट्रिक हमारी गेम के अंदर वर्क करती है फिर नहीं। तो गाइस चलो फिर सीधा ही हम चलते हैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन पर एंड फिर वहां पर जाकर इस वाली ट्रिक को ट्राई करते हैं। एंड गाइस आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये वाली ट्रिक कैसी लगी है। एंड गाइस मैं पूछूं कि आपको हमारी गेम से रिलेटेड कोई कमाल के मिथ पता है तो मुझे कमेंट के अंदर बताना, मैं अपने सेकंड चैनल पर भी उसके मिथ को ट्राई करूंगा। एंड गाइस सेकंड चैनल के लिंक में दो दिन के अंदर यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट करने वाला हूँ, तो जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस यहाँ पर आना होगा आपको सिंपल यहाँ पर पुलिस स्टेशन पर, जैसे यहाँ पर मैं जेसीबी को लेकर आ गया हूँ। एंड गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल अपनी गेम के अंदर किसी भी बाइक को स्पॉन करना होगा। गाइस हम लोग यहाँ पर जैसे जेल के अंदर गए थे बिल्कुल इसी तरह से शायद से हम लोग यहाँ पर दूसरे फ्लोर पर जा पाएंगे। तो अभी मैं जल्दी से यहाँ पर बाइक को लगा देता हूँ, मुझे सिंपल यहाँ पर सीढ़ियों के पास चिपका कर यहाँ पर बाइक को खड़ा करना होगा, तो शायद से जो मेरा करेक्टर होगा वो यहाँ पर अंदर चला जाएगा। एंड गाइस उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ की आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर जेसीबी के बकेट से मिट्टी को कैसे खोद सकते हो। एंड यही सारे चीट कोड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस, मजा आने वाला है। तो गाइस पहले तो मैं यहाँ पर बाइक को थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पर चलाना भी नहीं आ रहा। एंड मेरा बाइक यहाँ पर सच में लग चुका है गाइस। एंड अभी मैं जल्दी से अपनी बाइक से नीचे, अरे यार मेरी बाइक थोड़ी सी नीचे उतर गई। तो गाइस अभी मैं जल्दी से अपनी बाइक को यहाँ पर सही से फिक्स कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं नीचे उतरा एंड गाइस मैं गया कि नहीं गया अंदर। एंड गाइस अभी तो मेरा करेक्टर यहाँ पर अंदर नहीं गया, बट मुझे लगता है कि ये सारी ट्रिक वर्क करेगी। एंड गाइस मेरी बाइक यहाँ पर फंस चुकी है, तो गाइस मुझे लगता है कि ये वाली ट्रिक होगी वो यहाँ पर किसी कार से हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर किसी भी कार को अंदर लेकर आ जाता हूँ एंड शायद से इतनी जगह से यहाँ पर कार आ जाएगी। तो गाइस अभी मैं जल्दी से यहाँ पर एक थार को स्पॉन कर देता हूँ बिकॉज जो थार होती है वो बड़ी कार होती है जो आसानी से यहाँ पर दीवार पर चिपक कर खड़ी हो जाएगी। एंड फिर हम देखते हैं कि हम दूसरे फ्लोर पर जा पाएंगे या फिर नहीं। 5 minutes later तो गाइस यहाँ पर मैंने काफी सारे ट्राई करे बट यहाँ पर मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। बट मैं आपको बता रहा कि आप लोग अपनी गेम के अंदर इस वाली ट्रिक को ट्राई करना, यानी कि यहाँ पर किसी भी बाइक या फिर कार को लेकर आना और फिर अंदर जाने का ट्राई करना, शायद से आप लोग अंदर जा पाओगे। एंड अगर आप लोग यहाँ पर अंदर जा पाते हो तो प्लीज मुझे कमेंट के अंदर बताना ताकि मुझे भी पता चले कि हम लोग यहाँ पर अंदर जा सकते हैं। एंड गाइस अभी मैं जल्दी से यहाँ पर एक बाइक को स्पॉन करता हूँ एंड मैं यहाँ पर दीवार के पास उस बाइक को खड़ा करता हूँ एंड फिर देखते कि हम सीधा ही अंदर जा पाते या फिर नहीं, यानी कि हम यहाँ पर अंदर से तो नहीं जा पा रहे बट अगर हम बाहर से जा पाते तो मजा आता। तो गाइस यहाँ पर शायद से अंदर जाने का रास्ता होगा, तो अभी मैं जल्दी से अपनी बाइक को यहाँ पर ही लगा देता हूँ एंड फिर मैं अंदर घुस जाता हूँ। एंड गाइस अभी हम वेट करते कि हम अंदर जा पाते या फिर नहीं। एंड गाइस नहीं, यहाँ पर मैं अंदर नहीं जा पाया, बट शायद से अगर हम कार को लेकर आएंगे तो अंदर जा पाएंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक कार को स्पॉन कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी बाइक को यहाँ पर ही खड़ा कर देता हूँ एंड जल्दी से अपनी यहाँ पर गेम के अंदर एक कार को स्पॉन कर देता हूँ एंड कार को लेकर यहाँ पर अंदर जाता हूँ। तो अभी मैं जल्दी से यहाँ पर एक पोर्शे कार को स्पॉन कर देता हूँ, तो ये आ चुके हमारी प्यारी सी पोर्शे कार। तो गाइस अभी मैं जल्दी से अपनी पोर्शे कार को यहाँ पर दीवार से लगाकर खड़ा कर देता हूँ एंड फिर हम देखते हैं कि हम अंदर जा पाते या फिर नहीं, यानी कि हमारे गेम के अंदर जो हमें दूसरे फ्लोर की जो सीढ़ियां देखने को मिलती है वहां पर हम जा पाते या फिर नहीं। बट गाइस यहाँ पर तो हमें कुछ देखने को मिल रहा है, बट देखते कि क्या है, अंदर जा पाते या फिर नहीं। एंड अगर अंदर जा पाएंगे तो मजा ही आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने कार को सिंपल यहाँ पर चिपका कर खड़ा कर दिया है, बट यहाँ पर सही से कार नहीं लगी है, तो थोड़ा सा मुझे सिंपल यहाँ पर अपनी कार को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मेरी कार यहाँ पर चिपक खड़ी हो गई है एंड यहाँ पर मैंने कार से एग्जिट किया। एंड गाइस सच में यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूँ एंड अंदर से जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमें सीढ़ियां देखने को मिलती है एंड यहाँ पर अगर हम कूद कर जा पाते तो मजा ही आ जाते हैं। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर अंदर जा पाएंगे, बट इसके लिए मुझे सिंपली कुछ तो कुछ ट्रिक को ट्राई करना होगा, बट गाइस वो मुझे सिंपली नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही करना होगा। एंड गाइस मैं आपको कि मैं वो वाली ट्रिक को जरूर से ट्राई करूंगा एंड फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग दूसरे फ्लोर पर कैसे जा पाएंगे। बट गाइस मैं आपको कि हम लोग यहाँ पर दूसरे फ्लोर पर जा सकते हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सीढ़ियां देखने को मिलती है। एंड गाइस अब मैं आपको ये बता दूं कि आप सभी लोग अपनी गेम के अंदर मिट्टी को कैसे खोद सकते हो। तो गाइस मैं आपको कि हमारी गेम के अंदर जो स्पानी अपडेट आई उसके अंदर न्यू जेसीबी को ऐड किया गया है, साथ से न्यू हमर कार को ऐड किया गया है। बट इस वाले अपडेट के अंदर हम मिट्टी नहीं खोद सकते हैं एंड हम अपनी कार से मिट्टी को उठा भी नहीं सकते हैं। बट अगर हमारी गेम के अंदर जो 15 दिन के बाद अपडेट आने वाले उसके अंदर आप लोग मिट्टी खोदने का ऑप्शन लेना चाहते हो तो प्लीज वीडियो के नीचे एक छोटी सी कमेंट कर देना। एंड हमारी गेम के अंदर एक न्यू लोकेशन को ऐड किया जाएगा जिसके अंदर हम सभी लोग अपनी जेसीबी से मिट्टी खोद पाएंगे, तो प्लीज इसके लिए एक छोटी सी कमेंट कर देना। बाकी गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस यही कमाल की ट्रिक के बारे में बताने वाला था। एंड गाइस अगर आपको हमारी गेम से रिलेटेड कोई कमाल के मिथ पता है तो मुझे कमेंट के अंदर बताना, मैं सेकंड चैनल पर आपकी कमेंट के वीडियो बनाकर डालूंगा एंड आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो के नीचे एक मिथ कमेंट कर दो। बाकी तो गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो न्यू अपडेट आई उसके अंदर हम सब लोग बिग वाले एरोप्लेन को ड्राइव कर सकते हैं फिर नहीं, एंड हमारी गेम के अंदर में जो जेट प्लेन देखने को मिलता है उसे हम ड्राइव कर सकते हैं फिर नहीं। तो चलो फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू।
टेक केयर, बाय बाय।